वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लाकर उत्तर प्रदेश में खपत की जाने वाली गांजा तस्करी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर आगरा पुलिस ने अपने मुखबिर की सूचना पर झारखंड से आ रही गाड़ी को पकड़कर उसमें से 28 किलो गांजा, अर्टिका गाड़ी और 5 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप बरामद किए हैं। इसी के साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से एक गाड़ी जिसमें 10 क्विंटल गांजा रखा हुआ है, ट्रक झारखंड के नंबर का, और उसके साथ एक अर्टिगा गाड़ी में वो सप्लाई करने वाले जो अभियुक्त हैं वो यूपी में अपना गांजा लेके आ रहे हैं। बाकी जब इस टीम पे काम किया गया तो पता चला कि इनकी जो गाड़ी थी वो वहाँ पे एमपी में इंदौर पुलिस स्टेशन है शिवपुरी जनपद का, वहाँ पर इनकी गाड़ी पकड़ी गई, लेकिन ये लोग वहाँ से बचकर निकलने भागने में सफल हो गए। आगरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तत्काल उस सूचना पर इन लोगों को हरिपर्वत थाना क्षेत्र में पकड़ा है। जो पकड़े गए अभियुक्त हैं उनका नाम है रितेश कुमार प्रधान उर्फ राजा, ये उड़ीसा के कोरापुट जनपद का रहने वाला है। लव हंतल, ये भी उड़ीसा कोरापुट का रहने वाला है। रमेश कुमार यादव, ये जनपद बलिया का रहने वाला है। और राजेश यादव, ये भी जनपद बलिया का रहने वाला है। इन लोगों की जो अर्टिगा गाड़ी पकड़ी गई है उस अर्टिगा गाड़ी में 28 किलो गांजा बरामद हुआ है, 6500 रुपये नकदी बरामद हुए हैं, 5 इनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, एक टेबलेट बरामद हुआ है और एक इनके पास में इनकी डायरी बरामद हुई है जिसमें पूरा ये अपना जो काम करते तस्करी का उसके बारे में एक एक चीज़ डिटेल में लिखी हुई है। यूपी में बीजेपी सरकार के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अभी शपथ भी नहीं ली है कि उनकी पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान छोड़ दिया है। बता दें कि पुलिस ने लंबे समय से वांछित चल रहे गौ तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश सानू पर 25,000 का नाम घोषित था जो काफी लंबे समय से वांछित चल रहा था। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा और एक बाइक भी बरामद की है। संभल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस और इनामी गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। ऐसे में देखा जाए तो पुलिस की अलर्टनेस साफ तौर पर देखी जा सकती है। आज ये थाना हयात नगर क्षेत्र में नवाब खेल करके जगह है ये, जहां पे आज हयात नगर पुलिस से और एक बदमाश है जिससे मुठभेड़ हुई, जिसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई। उसका नाम सानू है, सनाब खालिद, रुकंदी सराय का रहने वाला है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। ये गोवत के मामले में वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास में ये मुठभेड़ हुई है। गिरफ्तार करके उसको जो है अभी क्योंकि वो घायल था अस्पताल भेजा गया है, उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में गार्डन में बच्चे को अगवा कर छुरी मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने पिता के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि आस मोहम्मद ने पत्नी से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी। आस मोहम्मद के 2 बच्चे हैं। आस मोहम्मद का अपने ही भाई से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण उसने भाई नूर ने बच्चे को जान से मारने की धमकी दी थी। गुरुवार रात को करीब 9 बजे बच्चा घर से गायब हो गया था, जिसके बाद करीब 12 बजे बच्चा घर से 200 मीटर दूर खाली प्लॉट में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर और बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया। मामले की जब सख्ती से जांच की गई तो आरोपी पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी पिता मकान में ही हिस्सा लेने के लिए अपने भाई को झूठे मुकदमे में फंसाना चाहता था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को जेल भेज दिया है।